हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुहानी महेश्वरी और आज एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो बहुत सारे पेशेंट्स के दिल में होती है, आज हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। क्या क्या डॉक्टर साहब, मेरे इस दांत में दर्द है, मैं इसका रूट कैनाल करवाऊं या मैं इसको निकलवा ही दूं? इसमें जो निकलवा ही दूं, एक्सट्रैक्शन करवा लूं, हमेशा बहुत ईजी कन्वीनियंट ऑप्शन अपेयर होता है हमें। इसके कई रीजंस है, पेशेंट्स हमारे पास आते हैं एंड दे वेरी सिंपली से कि मेरे को इस दांत में पेन है, आप इस दांत को निकाल दीजिए। एंड आई एम लाइक कि ओके फाइन, ठीक है, सुन लिया, बट लेट्स जस्ट सी अगर हम इसको बचा पाए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बचा के कुछ नहीं होगा, एक तो इतने पैसे लग जाएंगे, इतनी बार आना पड़ेगा, तो आप इसको निकाल दीजिए ताकि इसका काम एक बार में फिनिश हो जाए। प्लस एक्सट्रैक्शन के चार्जेस देखते हैं और रूट कैनाल के चार्जेस देखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज बताइए और सोचिए कि एक्सट्रैक्शन, माना एक्सट्रैक्शन अगर कहीं पे 1000 रुपीज की है और रूट कैनाल अगर कहीं पे 5000 की है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी ये बात सोची है, एक्सट्रैक्शन में मतलब कि दांत पूरा का पूरा बाहर, अब उसके बाद उस खाली स्पेस का क्या? वो खाली स्पेस खाली तो नहीं रहने वाली कभी भी, क्यों? क्योंकि आगे पीछे वाले दांत शिफ्ट कर जाएंगे तो आपको नॉर्मल बाइटिंग में प्रॉब्लम आएगी, और जब तक वहां पे दांत नहीं होगा आप ऑपोजिट साइड से खाओगे और एक ही साइड से आप कितने टाइम तक खा सकते हो? अल्टीमेटली उसके रिप्लेसमेंट तो करनी ही होगी ना, और आर्टिफिशियल टीथ से ही करनी होगी। अब अगर हम उसके ऊपर कोई ब्रिज लगाते हैं तो ब्रिज के लिए क्या करना पड़ता है, जिसको आगे पीछे वाले दांत का रूट कैनाल करके हमें 3 यूनिट लगाना पड़ेगा। और अगर हम उसको इम्प्लांट से रिप्लेस करते हैं, सो लेट मी ऑल टेल यू कि बेसिकली इम्प्लांट भी कोई 20-25,000 से कम का कोई भी नहीं होता है। सो इट इज नेवर लाइक दैट कि वो सस्ता है, इट इज जस्ट लाइक दैट कि एक बार एक्सट्रैक्शन होगी, हाँ मे बी आप एक दिन में पेन फ्री हो गए, लेकिन अगर आपने उसी दांत की रूट कैनाल कराई होती, सो जस्ट सी, आप पैसों पे मत जाइए। रूट कैनाल में क्या होगा, आपके नेचुरल दांत को ही हम प्रिजर्व करेंगे, उसमें से इन्फेक्शन को निकाल के, उसमें आर्टिफिशियल नर्व्स डाल के, एंड वी कैन प्रोटेक्ट दैट टीथ। तो आपका नेचुरल दांत मुंह में रहा, अब क्या है, उसके ऊपर एक कैप लगानी पड़ेगी जो कि हम आसानी से लगा सकते हैं। तो उसी नेचुरल दांत की लाइफ को हमने इलोंगेट कर दिया। अब सी, अगर ऐसा है कि दांत ही बहुत हिल रहा है, बिल्कुल इट इज डांसिंग इन दी माउथ की बहुत ही हिल रहा है, तो एक अलग बात है, तो हमें दांत निकालना भी पड़ता है। लेकिन सपोजिटली अगर बहुत ही माइनर सी मूवमेंट है, बहुत ही माइनर सी मोबिलिटी है, और उस केस में हम रूट कैनाल से उस मोबिलिटी को कम भी कर सकते हैं, साथ के साथ कुछ गम्स का ट्रीटमेंट करके, और उस दांत को बचा भी सकते हैं। सो ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर, ऐसा नहीं होता कि रूट कैनाल सस्ता इजी, एक्सट्रैक्शन सस्ता इजी प्रोसीजर है, इसलिए आप उसको बस कर दीजिए। नेवर, नेचुरल चीज हमेशा नेचुरल होती है। सो विद एक्सरेज कितना डीप है आपका दांत का कीड़ा, और अगर आपको डेंटिस्ट बोल रहा है कि वो रूट कैनाल से बच सकता है, सो नेवर गो फॉर एक्सट्रैक्शन वंस फॉर ऑल। अगर उसमें कुछ और हो ही नहीं सकता, एक्सट्रैक्शन ही ऑप्शन है, तो फिर डेफिनेटली उसको एक्सट्रैक्ट कराना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी हमेशा याद रखिएगा, खाली स्पेस नहीं छोड़नी है, क्योंकि उससे नेचुरल जो बचे हुए दांत है वो सारे भी मूव करेंगे, आपका नॉर्मल बाइट करना, नॉर्मल ऑक्लूजन, सब कुछ खराब होगा। सो एक्सट्रैक्शन और आरसीटी, इट शुड ऑलवेज बी डिसाइडेड ऑन दी बेसिस कि क्या चीज आपके लिए, खाने के लिए, उस जगह के लिए, आपके मुंह के लिए क्या ज्यादा बेटर है, रादर देन कि इजी और टफ और जल्दी और किसी में बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होता है। नेचुरल दांत आपके दांत है, आपकी स्माइल है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, यू ऑल कैन जस्ट सब्सक्राइब टू दी चैनल, एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे पता है बहुत लोगों के दिल में होता है, सो यू कैन ऑलवेज आस्क इन दी कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।